हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। जैसे कि आज फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने इंटरव्यू शेड्यूल शो कर दिया है, रेगुलराइजेशन ऑफ एम्प्लॉय ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, जो कि इन्होंने इंटरव्यू जो लेना है, कंडक्ट करना है, उनकी जो है लिस्ट वगैरह वो इन्होंने अपडेट कर दी है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन पे। आप वहाँ पे जाके उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जो जो पास हुए हैं। तो मैं आपको दिखाता चलूँ इंटरव्यू के जो मतलब जो पास हुए हैं, रोल नंबर वगैरह, उनके नाम वगैरह ये हैं। जो पोजीशन है, पोस्ट है, वो है MRP ऑपरेशनल ऑफिसर, PPS 17 जिसका है। तो ये नेम्स हैं: मलिक अनवर अहमद, एहसानुल हक, आमिर शफीक, अब्दुल अजीज़, अब्दुल वहीद, अब्दुल रहमा रहीम शाह, अब्दुल रहीम शाह। तो ये आप देख सकते हैं। ये सारी जो पोस्ट हैं ये है MRP ऑप्शनल ऑफिसर के लिए। ये पोस्ट है मैनेजर फाइनेंस, BPS 18, ये वाला जो ये यहाँ पे है, ये वाला आप देख सकते हैं। ये नेम है मैनेजर फाइनेंस BPS 18 में। जो पहला नाम है वो है आसिम फवाद मिर्ज़ा। दूसरा है पोस्ट क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर, BPS 17 है। इसका इंटरव्यू भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 5/10/2023 को इनके इंटरव्यूज़ हैं। यह पोस्ट है डेटाबेस सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट, PPS 18। इनके इनका जो इंटरव्यू होगा वो होगा 5/10/2023 को। टाइम भी मेंशन है यहाँ पे, 11:15। हार्डवेयर इंजीनियर PPS 17। और यह है टेक्निकल ऑफिसर, BPS 17। मैनेजर प्रोडक्शन BPS 18। डेटा वेयरहाउस स्पेशलिस्ट PPS 18। डेटा वेयरहाउस स्पेशलिस्ट PPS 18 जो है, इसकी जो इंटरव्यू है वो है 6/10/2023। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। इधर आप रोल नंबर भी देख सकते हैं और तो डेट वगैरह भी देख सकते हैं कब आपका इंटरव्यू होगा। ग्राफिक इंजीनियर है, BPS 17। टेक्निकल ऑफिसर है। इसकी 23/10/2023 और 2023 को इनका इंटरव्यू होगा। और उनके ये नाम भी दिए हुए हैं इन्होंने, रोल नंबर्स वगैरह भी हैं, आप चेक कर सकते हैं। सेंटर जो है इनका वो इस्लामाबाद है। नेटवर्क इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, ये इन्होंने नोट भी दिया हुआ है नीचे। ऑल द अबाउव एम्प्लॉयज आर एडवाइज टू ब्रिंग ऑल ऑफ देयर ओरिजिनल एजुकेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल एंड CNIC विथ देम एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। दे आर इन्फॉर्म दैट नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर डेट विल इन एनी केस बी accepted by the commission and no TADA is admissible for appearing in above interview program. तो ये था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की शेड्यूल जो मैंने आपके साथ शेयर की। आप चाहें तो मैं इसकी बायो में लिंक दे दूंगा,
आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।